बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की जनता को सदा से ही निरीह दिखाया जाता रहा है। यहाँ का आदमी कमाने खाने के लिए पूरे देश भर में जगह जगह फैला हुआ है। 90 का दशक बिहार के लिए काल बनकर टूटा था। अपराध और रंगदारी तंत्र इतना मजबूत हो गया था कि सारे बड़े उद्योग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बिहार से बाहर भागने को मजबूर हो गए थे। नतीजा ये हुआ कि बड़ी मात्रा में पलायन शुरू हुआ। बिहार का आदमी पेट पालने के लिए देश के कोने कोने में भटकने को मजबूर हो गया। लालू यादव का संरक्षण पाए गुंडों ने वो कहर बरपाया कि आज भी बिहार की छवि बाहर के उद्योगपतियों के लिए भयावह बनी हुई है। अपराध, रंगदारी और हत्या का वो दौर बिहारियों की इज्जत पर सदा के लिए काला धब्बा बन गया है। पलायन अपने साथ ढेरों मुसीबतें लाता है। आज लोग फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ घटिया नेताओं ने अपनी घृणित सोच का प्रमाण देते हुए न केवल अराजकता फैलाई है, बल्कि सबको बदनाम करने के काम में भी लगे हुए हैं। फिलहाल कोरोना वायरस की महामारी सबके सर पर मुंहबाए खड़ी है। सावधानी के लिए देश भर में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, ताकि ये बीमारी ज्यादा न फैल पाए। लेकिन कुछ राजनीतिक गिद्धों को इस आपदा के समय भी अपनी गंदी राजनीति चमकाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। इसी तेज प्रताप ने पहले जनता कर्फ्यू का विरोध करते हुए अजीबोगरीब बयान दिया था कि कर्फ्यू लगाने से लोगों को नुकसान होगा, बंद करने से बीमारी और फैलेगी, विधायकों को घर से बाहर निकलना चाहिए और जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। बाद में जनता कर्फ्यू के दिन यही अपना प्रपंच फेल होता देख खुद ही शंख लेकर इसका समर्थन करते भी देखा गया। फिलहाल दोनों बहुरूपीय भाई ट्विटर पर राजनीति चमकाने में व्यस्त हैं। बिहार की एक बेबस तस्वीर बनाने की भरसक कोशिश हो रही है। खुद से भले ही ढेले भर का सहयोग न किया जा रहा हो, पर ट्विटर पर ही मोर्चा खोल राजनीति चालू है। शायद यही इनके हिसाब से इनका आपदा प्रबंधन है। अरे माना, अपना पेट पालने के लिए देश भर में बिहार से लोग मजदूरी करने गए हैं, पर इस सब का असली सूत्रधार कौन है? किसने सब कुछ बर्बाद किया? किसके जंगल राज के भय से कल कारखाना, मजदूर सबका पलायन हुआ? इन्हीं तेजस्वी और नौटंकी नंबर एक के पिता लालू प्रसाद यादव, जो फिलहाल करोड़ों के चारा घोटाले में जेल की हवा काट रहे हैं, इस आपदा में ट्विटर से अराजकता फैलाने की जगह कुछ ठोस काम कीजिए। आपकी ये दरिंदगी नहीं भूलेगा बिहार।